Hello students, in the previous video we have completed the functions of a central bank. Now one of the most important things that we need to understand is what do you mean by inflation and deflation. Agar simple bhasha mein bolu to inflation ka matlab hota hai mehngai. Chalo thoda sa detail mein samajhte hain ki what do you mean by the word inflation. So, as we all know that during inflation, what happens is that money supply is more and the goods supply is less. मतलब लोगों का हाथ में पैसे ज्यादा है पर खरीदने के लिए मार्केट में गुड्स कम है, जिसके वजह से can I say there is a scarcity of goods. तो बेटा जब मनी सप्लाई ज्यादा होता है, गुड सप्लाई कम होता है, तो हम उसे बोलते हैं अ सिचुएशन ऑफ स्केयरसिटी. एंड व्हेन देयर इज स्केयरसिटी द प्राइजेस विल टेंड टू राइज. अच्छा, जब प्राइस बढ़ेगा तो ऐसा बोला जाता है कि वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स. नाउ व्हाट डज दिस मीन, तो एक एग्जांपल लेते हैं. For example, suppose there is a chocolate which is available in the market for 10 rupees. Now, in 10 rupees, you can purchase 1 unit of chocolate. तो अगर 100 रुपए आपके पास है, तो आप 10 units of chocolates purchase कर सकते हो. So, the purchasing power of 100 rupees when the price is rupees 10 is 10 units of chocolates. But imagine that the price rises from 10 rupees to 20 rupees. मतलब price बढ़ गया, मतलब there is inflation. क्या अभी भी आप 100 rupees में 10 units purchase कर पाओगे? नहीं. मतलब the purchasing power of 100 rupees when the price is 20 falls down to 5 units. तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, जैसे ही प्राइस बढ़ गया आपका परचेजिंग पावर गिर गया. देखो यहां पर लिखता हूं, हमारा इनकम कितना था 100, प्राइस कितना रखा था 10. तो व्हाट वर द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू कुड परचेज वाज 10. नाउ द प्राइस राइजेस टू 20. इफ द प्राइस राइजेस टू 20, योर वैल्यू ऑफ मनी, योर परचेजिंग पावर हैज फॉलन डाउन. अर्लियर यू कुड परचेज 10 यूनिट्स, नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू परचेज ओनली 5. तो बेटा जैसे ही प्राइस बढ़ेगा वैल्यू ऑफ मनी और द परचेजिंग पावर फॉल्स. दिस इज द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन. When money supply is more, good supply is less, there is scarcity. Scarcity leads to a rise in price, and a rise in price leads to a fall in the value of money. ऐसा ही एक दूसरा scenario है जिसका नाम है deflation. Now, what do you mean by deflation? It is exactly opposite of inflation. During the time of deflation, the money supply falls, उल्टा हो गया, and the goods supply rises. मतलब बेटा during the time of deflation, there is more goods supply compared to the money supply. This leads to surplus of goods. अब जब market में बेचने के लिए माल ज्यादा है, खरीदने के लिए लोग कम है, तो प्राइसेस बढ़ेंगे क्या? नहीं. मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन द प्राइसेस फॉल एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ मनी राइजेस. चलो यही एग्जांपल चॉकलेट वाला वापस लेते. इमेजिन करो द प्राइसेस ऑफ चॉकलेट्स हैव नाउ फॉलन डाउन टू 5. पहले कितना था 10, तो इन्फ्लेशन में कितना हो गया 10 का 20. अब हम डिफ्लेशन पढ़ रहे हैं, तो पहले प्राइस था 10, अब प्राइस हो गया 5. नाउ हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ चॉकलेट्स कैन यू परचेज
when the price is 5 and your income is 100, the answer is 20. तो बेटा जैसे ही प्राइस कम हो गया, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गया, मतलब आपका परचेजिंग पावर बढ़ गया. सो एवरी इकोनॉमी कैन फेस ईदर ऑफ द टू प्रॉब्लम्स, ईदर देयर कैन बी इन्फ्लेशन और देयर कैन बी डिफ्लेशन. आप मुझे बताइए, क्या कोई भी कंट्री को इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन डिजायरेबल है? द आंसर इज नो. ना हमको इन्फ्लेशन चाहिए, ना हमको डिफ्लेशन चाहिए. बट बेटा देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी समथिंग और दी अदर. सो व्हाट डू यू थिंक इज द प्रिफर्ड वन? व्हाट इज बेटर, इन्फ्लेशन बेटर है कि डिफ्लेशन बेटर है? जरा सोचो और मुझे बताओ. अगर आप बोलोगे कि डिफ्लेशन बेटर है तो आपका आंसर गलत होगा. मेजोरिटी ऑफ यू ऑल मस्ट हैव थॉट, सर डिफ्लेशन मस्त है, सर प्राइस कम हो रहा है, मज्जा नहीं लाइफ. बट बेटा अगर प्राइस कम हो रहा है तो ये सिर्फ कंज्यूमर का फायदा हुआ है और इकोनॉमी का नुकसान हो जाएगा. आप सोचोगे कि कैसे? इट्स क्वाइट सिंपल. इमेजिन इफ द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज आर ऑन अ डाउनवर्ड सिचुएशन, प्राइसेस गिर रहे हैं, तो डू यू थिंक अ प्रोड्यूसर इज एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर? आंसर इज नो. मतलब प्रोड्यूसर डिस्करेज हो जाएगा. अगर प्रोड्यूसर डिस्करेज होएगा तो आउटपुट कम, आउटपुट अगर कम होएगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा. इमेजिन करो अगर अपने कंट्री में एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो इनकम कम हो जाएगा, पॉवर्टी बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम हो जाएगा. मतलब कंट्रीज विल बी फेसिंग लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो बेटा क्या हमारे लिए डिफ्लेशन डिजायरेबल है? द आंसर इज अ बिग फैट नो, बिकॉज देर विल बी नो इकोनॉमिक ग्रोथ, देर विल बी नो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, देर विल बी नो वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो क्या सर इन्फ्लेशन डिजायरेबल है? हाँ, इन्फ्लेशन डिजायरेबल है, बट कुछ हद तक ही डिजायरेबल है. अब इन्फ्लेशन कैसे डिजायरेबल है? इमेजिन करो बेटा व्हाट हैपेंस इन इन्फ्लेशन, सरप्लस है कि स्केयरसिटी है? स्केयरसिटी है, तो स्केयरसिटी में प्राइसेस बढ़ते हैं. व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग द प्रोड्यूसर्स आर मोटिवेटेड, प्रोड्यूसर्स आर एनकरेज्ड टू प्रोड्यूस मोर. तो अगर प्रोड्यूसर एनकरेज्ड है, कंज्यूमर के पास खरीदने के लिए पैसा भी है, क्योंकि इन इन्फ्लेशन मनी सप्लाई इज मोर, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ाने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो पॉवर्टी कम होएगा, अपने कंट्री में से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दूर जाने लगेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा, डेवलपमेंट मिलेगा. तो बेटा विच वन इज डिजायरेबल, इज इन्फ्लेशन डिजायरेबल और डिफ्लेशन? तो 110% अगर चूज करने का बारी आया तो वी ऑलवेज वॉन्ट इन्फ्लेशन, बिकॉज ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वी गेट बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड द इकोनॉमी इज ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड. तो जब भी हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन चाहिए, तो क्या प्रपोर्शन में या परसेंटेज में इन्फ्लेशन चाहिए? तो इट शुड बी नॉट मोर देन 2 to 5%. 2 से 5% तक का अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो हमारे कंट्री के लिए डिजायरेबल है. अगर वो डिजायर अगर 2 to 5 से ज्यादा हो गया तो वो डिजायरेबल नहीं है. सो एन आइडियलिस्टिक इकोनॉमिक सिचुएशन सेज दैट देयर शुड बी स्टेबिलिटी, ना इन्फ्लेशन चाहिए ना डिफ्लेशन चाहिए. बट कैन आई से कि स्टेबिलिटी 100% अचीव कर पाना थोड़ा मुश्किल है, जिसके वजह से कोई भी इकोनॉमी में या तो इन्फ्लेशन रहेगा या तो डिफ्लेशन रहेगा. तो बेटा हाउ डू वी कंट्रोल दीज टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन? अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया तो भी तकलीफ है, अगर डिफ्लेशन है तो भी तकलीफ है. तो ये जो एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और कौन सॉल्व करेगा? तो सबसे पहले अगर इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इज द प्रॉब्लम, कैन आई से दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड बाय द आरबीआई. व्हाई आरबीआई?
बिकॉज आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग मनी सप्लाई, कंट्रोलिंग द क्रेडिट इन द इकोनॉमी. अगर क्रेडिट क्रिएशन का काम कमर्शियल बैंक का था तो क्रेडिट कंट्रोल का काम आरबीआई का है. कमर्शियल बैंक्स पैसे क्रिएट करते हैं, उसके वजह से मनी सप्लाई बढ़ जाता है, मनी सप्लाई बढ़ने के वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है और इन्फ्लेशन को रोकने का काम, क्रेडिट कंट्रोल करने का काम आरबीआई का है. तो सवाल ये आता है कि आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है. तो आरबीआई के पास कुछ टूल्स होते हैं, सर्टन मेजर्स आर यूज्ड बाय द आरबीआई. नाउ दैट मेजर यूज्ड बाय द आरबीआई इज कॉल्ड एज द मॉनिटरी पॉलिसी. तो बेटा एक पॉलिसी है जिसका नाम है मॉनिटरी पॉलिसी, विच इज इश्यूड बाय द आरबीआई टू कंट्रोल मनी सप्लाई. अगर इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज्यादा है, तो सॉल्यूशन क्या है, मनी सप्लाई कम कर दो. अगर डिफ्लेशन है, मनी सप्लाई कम है, तो सॉल्यूशन क्या है, मनी सप्लाई को बढ़ा दो. क्या आप और मैं ये काम कर सकते हैं? नहीं. सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज गिवन टू द आरबीआई फॉर द ओवरऑल वेलबींग ऑफ द इकोनॉमी. फॉर दैट आरबीआई इश्यूज अ मॉनिटरी पॉलिसी जो दो तरीके का होता है. एक है क्वांटिटेटिव, आई रिपीट, वन पॉलिसी इज बाय द नेम ऑफ क्वांटिटेटिव मेजर्स, द अदर इज बाय द नेम ऑफ क्वालिटेटिव मेजर्स. अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में फर्क क्या है? तो अगर सिंपल भाषा में बोलू तो क्वांटिटेटिव मेजर्स विल अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी और इट विल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी. मतलब अगर इकोनॉमी में 100 रुपया है तो आरबीआई या तो उसका 120 कर देगा या तो आरबीआई 100 का 80 कर देगा. मतलब डायरेक्ट अटैक होगा ऑन द अमाउंट ऑफ मनी विच इज फ्लोइंग इन द इकोनॉमी. इफ देर इज इन्फ्लेशन देन आरबीआई विल रिड्यूस द मनी सप्लाई फ्रॉम ₹100 to ₹80. बट इफ देर इज इन्फ्लेशन डिफ्लेशन देन आरबीआई विल इंक्रीज द मनी सप्लाई फ्रॉम ₹100 to ₹120. तो कैन आई से क्वांटिटेटिव मेजर्स अफेक्ट्स द क्वांटिटी ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी, एंड देयरफॉर वी से दैट क्वांटिटेटिव मेजर्स आर आल्सो कॉल्ड एज जनरल मेजर्स ऑफ आरबीआई. क्या बोला? क्वांटिटेटिव मेथड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द जनरल मेजर्स ऑफ आरबीआई. तो व्हाट इज क्वालिटेटिव बेटा? क्वालिटेटिव किसे अफेक्ट करता है? तो पहला बात, अगर आरबीआई का मनी सप्लाई 100 है तो चाहे इन्फ्लेशन हो चाहे डिफ्लेशन हो, मनी सप्लाई तो 100 ही रहेगा. इट विल नॉट अफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मनी, इट विल प्योरली अफेक्ट वेयर द मनी इज फ्लोइंग. तो जब हम क्वालिटेटिव का बात करते हैं तो इट अफेक्ट्स द फ्लो ऑफ मनी, इट अफेक्ट्स द डायरेक्शन ऑफ मनी इन विच इट इज फ्लोइंग. इट गिव्स नथिंग एल्स बट चैनलाइजेशन. तो बेटा जब भी हम लोग क्वालिटेटिव मेथड्स का बात करते हैं तो क्वालिटेटिव में हम क्वांटिटी ऑफ मनी को अफेक्ट नहीं करेंगे. वी विल अफेक्ट द प्लेस वेयर मनी इज यूटिलाइज, दैट इज द फ्लो ऑफ मनी, द डिरेक्शन ऑफ मनी. वी विल गिव चैनलाइजेशन टू मनी. तो बेटा कैनाई से एक मेथड का नाम क्वांटिटेटिव, दूसरे का नाम क्वालिटेटिव. क्वालिटेटिव को ये लोग बोलते हैं कि दीज मेजर्स आर कॉल्ड एज सिलेक्टिव मेजर्स. क्या बोला? दीज मेथड्स आर कॉल्ड एज सिलेक्टिव मेजर्स. सो आरबीआई कैन यूज ईदर क्वांटिटेटिव मेथड्स और क्वालिटेटिव मेथड्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट. अब व्हाट आर द वेरियस टूल्स दैट द आरबीआई हैज इन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? तो पहले आरबीआई इज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इश्यू द मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव विल अफेक्ट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ मनी विच इज फ्लोइंग इन द इकोनॉमी.
quantitative will affect the flow direction or give channelization to money. क्वांटिटेटिव का दूसरा नाम जनरल, क्वालिटेटिव का दूसरा नाम सिलेक्टिव मेजर्स. नाउ द पॉइंट इज व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट आरबीआई हैज इन क्वांटिटेटिव एंड इन क्वालिटेटिव. तो बेटा जब भी हम क्वांटिटेटिव का बात करते हैं तो वी आर गोइंग टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी विच इज फ्लोइंग इन द इकोनॉमी. तो लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल. Can I say the topmost authority in India is the government of India? Government के under एक authority है जिसका नाम है RBI. RBI के नीचे उसके बहुत सारे banks आएंगे. For example, HDFC Bank, ICICI Bank. Can I say there can be Dena Bank and there can be SBI Bank. मतलब अगर आप समझने का कोशिश करोगे तो गवर्नमेंट इज द टॉप मोस्ट अथॉरिटी. मनी के रिलेटेड जो भी काम है वो आरबीआई करेगा. आरबीआई के नीचे बैंक्स आती हैं और ये बैंक्स का धंधा किसके वजह से चलता है, तो जनरल पब्लिक के वजह से चलेगा. तो कैन आई से दैट ओवर हियर वी हैव सर्टन लेयर्स. ओवर हियर वी हैव द गवर्नमेंट, देन वी हैव आरबीआई, then we have the banks and the people. Can I say कुछ लोग यहाँ पर banks को deposits देंगे. तो जैसे ही banks के पास deposits देंगे तो वो primary deposit बन जाएंगे. idle cash है, idle cash को bank में जमा कर दिया. अब जैसे ही idle cash को bank में जमा कर दिया तो bank ये पैसे को loan में देगा. मतलब कैन आई से बैंक विल लेंड मनी और जो आइडल कैश था उसको एक्टिव बना देगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा. अब जैसे ही क्रेडिट क्रिएशन होगा तो आप मुझे बताइए अगर डिपॉजिट्स ज्यादा तो कंट्री के अंदर लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा, अगर लेंडिंग कैपेसिटी ज्यादा तो लोन्स ज्यादा, अगर लोन्स ज्यादा तो मनी सप्लाई ज्यादा. अगर और डिटेल में जाऊं तो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. अगर मनी सप्लाई बढ़ जाता है तो कंट्री में इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम. ऑन द अदर हैंड अगर हमारे कंट्री में डिपॉजिट्स कम हो जाए तो लेंडिंग कैपेसिटी कम, लोन्स कम तो क्रेडिट क्रिएशन कम तो मनी सप्लाई भी कम. तो व्हाट आर वी गोइंग टू टारगेट एट, वी नीड टू फाइंड आउट कि मनी सप्लाई कैसे बढ़ाना है या मनी सप्लाई कैसे कम करना है. तो आरबीआई के पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है CRR, विच इज कैश रिजर्व रेशियो. दिस कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन्ड बाय कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक. लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया बैंक्स के पास. अब ये जो डिपॉजिट्स है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आरबीआई लेकर जाएगा. जो आरबीआई हिस्सा लेकर जाएगा उसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो. कैश रिजर्व रेशियो इज मेंटेन्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक दैट इज द आरबीआई. और इसके रिटर्न में कुछ भी मिलेगा नहीं. There will be no rate of interest paid by the central bank to the commercial bank. तो अगर कंट्री के अंदर CRR बढ़ गया, I repeat, अगर कंट्री के अंदर CRR बढ़ा दिया गया तो banks के पास deposits कम बचेगा. अगर banks के पास deposits कम बचेगा तो lending capacity, loans, credit creation, money supply कम हो जाएगा. अब money supply कम कब करना है? मनी सप्लाई हम कम तब करेंगे जब इन्फ्लेशन होगा. सो कैन आई से आरबीआई विल इंक्रीज द CRR ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन. आई रिपीट, आरबीआई विल इंक्रीज CRR ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन. अगर डिफ्लेशन रहेगा तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई CRR को कम कर देगा. CRR कम करेगा तो डिपॉजिट्स बढ़ जाएगा, और अगर डिपॉजिट्स बढ़ जाएगा तो मनी सप्लाई भी
बढ़ जाएगा. सो कैन आई से दैट इफ सीआरआर इज इंक्रीज द मनी सप्लाई फॉल्स, इफ सीआरआर इज डिक्रीज देन मनी सप्लाई इंक्रीजेस. तो सबसे पहला टेक्निक इज बाय द नेम ऑफ सीआरआर. CRR is cash reserve ratio maintained by the commercial bank with the central bank. ऐसा ही एक और रेशियो है जिसका नाम है SLR. And SLR is maintained by the commercial bank with the government. गलत. It is maintained by the commercial bank with itself, but in the form of gold, silver, government securities, bonds, debentures, etc. मतलब पैसा आरबीआई के पास जाएगा. गलत. पैसा किसको दिया? गवर्नमेंट को. और गवर्नमेंट बदले में क्या देगा? गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, एक्सेट्रा. सो बेटा एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. इट इज मेंटेन बाय द कमर्शियल बैंक विद द गवर्नमेंट. गलत. इट इज मेंटेन बाय द कमर्शियल बैंक विथ इटसेल्फ बट इन द फॉर्म ऑफ अदर लिक्विड असेट्स. व्हाट आर दोज लिक्विड असेट्स? गोल्ड, सिल्वर, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, शेयर्स, एक्सेट्रा. तो बेटा पहला दो टेक्निक का नाम, एक का नाम सीआरआर, दूसरे का नाम एसएलआर. सीआरआर का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो. एसएलआर का फुल फॉर्म स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. सीआरआर इज मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक विथ आरबीआई. एसएलआर इज मेंटेन बाय कमर्शियल बैंक विथ इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट्स. सीआरआर के बदले में कुछ मिलता नहीं था. एसएलआर के बदले में गोल्ड, सिल्वर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मिलता है. तो बेटा जो अब तक हमने पढ़ा वो इंटरेस्ट रेट्स है एंड दीज इंटरेस्ट रेट्स आर डिसाइडेड बाय द आरबीआई. आरबीआई हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, एक्सपांशनरी मॉनिटरी पॉलिसी या तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी. बेटा एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को बढ़ाना है और कॉन्ट्रैक्शनरी मनी पॉलिसी मतलब मनी सप्लाई को कम करना है. तो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो एक्सपांशनरी पॉलिसी काम में आएगा क्या? इट वुड बी एज इफ एडिंग फ्यूल टू फायर. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन व्हेन द मनी सप्लाई इज मोर the RBI needs to issue a contractionary monetary policy and vice versa during the time of deflation. But that's not it. Banks have other techniques. One of them is by the name of bank rate. Kaun sa rate? Bank rate. Ab bank rate kya hota hai? Bank rate is the rediscounting rate. Kya bola? Bank rate is the रीडिस्काउंटिंग रेट. अभी ये रीडिस्काउंटिंग क्या होता है? तो उसके लिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता होना चाहिए. कैन आई से दैट सपोज इफ आई एम अ ड्रॉवर, आई विल ड्रॉ अ बिल, अ पर्सन विल एक्सेप्ट द बिल, ही विल बिकम द ड्रॉई. नाउ व्हाट इफ आई एम इन नीड ऑफ मनी? कैन आई गो टू द ड्रॉई एंड आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिम? तो बोलेगा कि आफ्टर द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम यू कैन कम एंड कलेक्ट योर मनी. अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे 3 महीने का टाइम है और अगर मैं 1 महीने के बाद ही उसके पास चला गया तो क्या वो मुझे एडवांस पेमेंट देगा? नहीं देगा. तो मुझे अर्जेंसी है पैसे का, आई नीड द मनी टुडे, आई कैन नॉट वेट फॉर 2 मंथ्स, व्हाट शुड आई डू? आई विल गो टू द कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक को बोलूंगा देख मेरे पास एक असेट है, मेरे को ये पैसा 2 महीने के बाद आने वाला है पर मुझे आज अर्जेंसी है, आप ये बिल रख लो और उसके बदले में आप मेरे को एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बदले में पैसे दे दो. तो कमर्शियल बैंक ने क्या किया? एक बिल को डिस्काउंट किया. कमर्शियल बैंक वॉज द पे. नाउ इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ कमर्शियल बैंक इज इन नीड ऑफ मनी. क्या कमर्शियल बैंक मेरे पास आएगा, ड्रॉई के पास जाएगा बिफोर द स्टिपुलेटेड पीरियड और बोलेगा चल पैसा ले, वसूली करने को आया है, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. मतलब अगर कमर्शियल बैंक को पैसे का जरूरत है तो वो किसके पास जाएगा? आरबीआई के पास. सिक्योरिटी के फॉर्म में क्या देगा? बिल्स ऑफ एक्सचेंज. सो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देता है उसके बदले में जो पैसे मिलेंगे वो पूरे तो नहीं मिलेंगे, कुछ इंटरेस्ट लगेगा.
that rate of interest is called as the bank rate. So bank rate is the rate of interest which is supposed to be paid by the commercial bank to the central bank for rediscounting the bills of exchange. I repeat, the word is rediscounting of bills of exchange. तो बेटा अब तक कितना कॉन्सेप्ट हुआ? तीन. पहला CRR, दूसरा SLR, तीसरा बैंक रेट. द फोर्थ कॉन्सेप्ट इज बाय द नेम ऑफ रेपो रेट. कौन सा रेट है बेटा? रेपो रेट. एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज करो इफ देर इज अ कमर्शियल बैंक एंड देर इज द सेंट्रल बैंक RBI. नाउ At times, commercial banks may not have the bills of exchange. और अगर bills of exchange नहीं रहेगा तो bank rate policy काम में नहीं आएगा. तो अभी भी अगर मुझे पैसे का जरूरत है, me being a commercial bank, I need the money, but I don't have the bills of exchange. तो मैं क्या करूं? कोई टेंशन नहीं है. RBI बोलता है that RBI will lend the money. तो RBI lends money to the commercial bank और commercial bank को क्या भरना पड़ेगा? Rate of interest. ये जो rate of interest भर रहा है bills of exchange के लिए है? नहीं. तो जब bills of exchange के लिए नहीं है बट एक loan लिया commercial bank ने, तो ये rate of interest को बोलते हैं repo rate. तो बेटा ऐसा क्या खास बात है repo rate का? रेपो रेट में कमर्शियल बैंक विल सेल सिक्योरिटीज टू द RBI, मतलब इन द फॉर्म ऑफ अ सिक्योरिटी. क्या आपको लोन कोई भी सिक्योरिटी के बिना मिलेगा? नहीं मिल सकता है. तो कमर्शियल बैंक को भी अगर कोई लोन लेना होगा तो कोई सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी ना. तो RBI क्या बोलता है कि मैं तेरे को पैसा देगा और तू आज मेरे को तेरा सिक्योरिटीज बेच. तो सिक्योरिटी बेचने के बदले में पैसा मिला. नॉट जस्ट दैट, RBI सेज दैट कमर्शियल बैंक्स नीड्स टू रीपर्चेस. जो सिक्योरिटीज बेची थी उसको वापस खरीदना पड़ेगा इन द फ्यूचर. इसीलिए तो बेटा ये कॉन्सेप्ट का नाम है रेपो. रेपो का मतलब रीपर्चेस अग्रीमेंट या रीपर्चेस रेट. सो व्हाट इज द रेपो रेट? चलो, रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक फॉर द पर्पस ऑफ टेकिंग अ लोन. हु टेक्स द लोन? कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और जो रिटर्न में रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ता है उसे कहलाया जाता है रेपो रेट. रेपो रेट में एक और चीज है कि आपको लोन तो मिलेगा बट लोन के बदले में आपको अपना सिक्योरिटीज बेचना पड़ेगा विद अ प्रॉमिस टू रीपर्चेस इट इन द फ्यूचर. तो अगर हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट को बढ़ा देंगे. अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा तो बैंक्स का लेंडिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आपका लेंडिंग कैपेसिटी कम, तो लोन्स कम, तो मनी सप्लाई कम. मनी सप्लाई कम मतलब हमने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया. तो बेटा एक सिंपल सा लॉजिक क्या है? जब भी इन्फ्लेशन होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दो. कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेकर आओ क्योंकि अगर रेट ऑफ इन्फ्लेशन बढ़ने लगा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आपने कम कर दिया तो इट वुड बी एज इफ यू आर एडिंग फ्यूल टू फायर. तो RBI क्या बोलेगा? CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, जितना भी रेट्स है वो सारे रेट्स को बढ़ा दो. अगर आपने सारे रेट्स को बढ़ा दिया तो बैंक का लेंडिंग कैपेसिटी कम. लेंडिंग कैपेसिटी कम तो लोन्स कम. लोन्स कम तो क्रेडिट क्रिएशन कम. क्रेडिट क्रिएशन कम तो मनी सप्लाई भी तो कम होगा ना. सो कैन आई से दैट दिस कॉन्सेप्ट ओवर हियर इज द रेपो रेट. वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है रिवर्स रेपो रेट. बेटा पहले क्या पढ़ा? रेपो रेट. अब क्या पढ़ रहे हो? रिवर्स रेपो रेट.
बेटा रेपो रेट का जब हम बात करते थे तो उसमें भी कमर्शियल बैंक था, आरबीआई था, यस और नो? बट जब हमने रेपो रेट पढ़ा था तो कमर्शियल बैंक वॉज इन नीड ऑफ मनी. आई रिपीट, जब हमने रेपो रेट पढ़ा था तो कमर्शियल बैंक को पैसा चाहिए था, मतलब कमर्शियल बैंक ने लोन लिया था. रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक लेंड्स मनी टू द आरबीआई, मतलब पैसे का गरज किसको है? आरबीआई को. ऑनेस्टली स्पीकिंग, आरबीआई को पैसे का गरज होता है क्या? नहीं होता है. बट टू कंट्रोल द सिचुएशन इन द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से बचने के लिए आरबीआई या तो पैसा लोन पर देगा या तो लोन पर ले लेगा. तो अगर हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या बोलेगा? आई विल बोरो मनी फ्रॉम यू. कमर्शियल बैंक विल लेंड द मनी टू आरबीआई. क्या फ्री में देगा? नहीं, मतलब इसके रिटर्न में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा. ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. सो कैन आई से रेपो रेट का एग्जैक्टली उल्टा रिवर्स रेपो रेट है? रेपो रेट में कमर्शियल बैंक लोन्स मनी फ्रॉम द आरबीआई, रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई टेक्स मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. सो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक पे करता है वो रेपो रेट, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई पे करता है वो रिवर्स रेपो रेट. यहां पर भी सिक्योरिटीज का अरेंजमेंट सेम ही होगा. अगर लोन चाहिए तो आरबीआई सिक्योरिटी सेल करेगा और कमर्शियल बैंक प्रॉमिस लेगा कि यू विल रीपर्चेज इट इन द फ्यूचर. सो कैन आई से दैट बाय नाउ वी हैव कंप्लीटेड 5 कॉन्सेप्ट्स, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. व्हाट इज सीआरआर? कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन बाय द कमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक. SLR, statutory liquidity ratio, maintained by the commercial bank with itself, but in the form of liquid assets. Bank rate is the rate at which the central bank rediscounts the bills of exchange of the commercial banks. Repo rate is the rate at which commercial banks borrows money from the RBI. And reverse repo rate is the rate at which RBI borrows money from the commercial bank. तो बेटा ये 5 techniques हुए from quantitative aspects. But ये सारे थे rate of interest. ऐसा ही एक तरीका है जिसमें rate of interest नहीं है but there is open market operations. I repeat, the name of the concept is open मार्केट ऑपरेशंस. इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस देर इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई. तो बेटा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगा? या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा. अब इमेजिन दैट देर इज अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब हमारे कंट्री में मनी सप्लाई ज्यादा है. तो बेटा आरबीआई को क्या करना चाहिए? शुड आरबीआई परचेस द सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक और शुड आरबीआई सेल द सिक्योरिटीज टू पब्लिक? अभी सोच समझ के जवाब देना. हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन है, मनी सप्लाई ज्यादा है, हमें मनी सप्लाई को कम करना है. तो सिचुएशन ये है, जाना यहां पर है. अब कैसे जाओगे? विल आरबीआई सेल द सिक्योरिटीज और विल आरबीआई परचेस द सिक्योरिटीज? चलो अगर आरबीआई ने परचेस किया, मतलब क्या नहीं से आपसे सिक्योरिटीज लिया और आपको पैसा दिया, मतलब आरबीआई परचेजेस द सिक्योरिटीज, फ्री में देगा क्या? नहीं, पैसा लेगा क्या? नहीं, तो आरबीआई ने तुमको पैसा दिया. अब अगर आरबीआई तुमको पैसा देगा तो वो पैसा तुम बैंक में जमा करेगा. अगर वो पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया तो बैंक्स का डिपॉजिट्स बढ़ेगा, डिपॉजिट्स बढ़ेगा तो लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो लोन्स बढ़ेगा.
लोन्स बढ़ेगा तो क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा, क्रेडिट क्रिएशन बढ़ेगा तो मनी सप्लाई और बढ़ जाएगा। अरे वाहे गुरु, आता मैं काय करूं? क्या आरबीआई को परचेस करना चाहिए था? गलत, आरबीआई शुड सेल सिक्योरिटीज, क्योंकि जैसे ही आरबीआई सिक्योरिटीज सेल करेगा मतलब आपको सिक्योरिटीज देगा। अच्छा, आपको सिक्योरिटीज फ्री में देगा? नहीं, आरबीआई बदले में क्या लेगा? आपसे पैसा लेगा। अगर आरबीआई आपसे पैसा लेगा तो आपका डिपॉजिट बैंक्स में कम हो जाएगा, आपको पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे फ्रॉम द बैंक, तो बैंक का डिपॉजिट्स कम, बैंक का डिपॉजिट्स कम तो लेंडिंग कैपेसिटी कम, लेंडिंग कैपेसिटी कम तो क्रेडिट क्रिएशन कम, क्रेडिट क्रिएशन कम तो मनी सप्लाई कम। सो व्हेन आरबीआई सेल्स सिक्योरिटीज देयर विल बी विड्रॉवल्स, विड्रॉवल्स की वजह से डिपॉजिट्स कम, लेंडिंग कैपेसिटी कम, लोन्स कम, क्रेडिट क्रिएशन कम तो मनी सप्लाई भी तो कम होगा ना। तो आरबीआई विल सेल सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई विल परचेज सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। तो बेटा ये जो छह पॉइंट्स थे दे आर ऑल कंसर्न्ड विथ नथिंग एल्स बट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी। इन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मनी देर इज सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। अलोंग विद दैट द लास्ट कॉन्सेप्ट, जो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं था, ये एक अलग ऑप्शन था जिसका नाम है ओपन मार्केट ऑपरेशंस वेयर देयर विल बी बाइंग एंड सेलिंग बाय आरबीआई। आरबीआई विल बाय सिक्योरिटीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डीफ्लेशन, आरबीआई विल परचेस सेल बाय सिक्योरिटीज ड्यूरिंग डिफ्लेशन, सेल सिक्योरिटीज ड्यूरिंग इनफ्लेशन। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वांटिटेटिव मेथड्स, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड फाइनली ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आरबीआई विल यूज अ एक्सपेंशनरी पॉलिसी, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाएगा व्हेन देयर इज डिफ्लेशन, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन। इसको एक और नाम दिया गया है बेटा, देयर कैन बी अ चीप मनी पॉलिसी और देयर कैन बी अ डियर मनी पॉलिसी। बेटा चीप मनी और डियर मनी, चीप मतलब पैसा सस्ता कर देना और डियर मतलब पैसे को महंगा करना। सो बेटा आरबीआई विल मेक मनी कॉस्टलियर व्हेन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, अगर पैसा महंगा हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। सो आरबीआई विल यूज अ डियर मनी पॉलिसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, आरबीआई विल यूज अ चीप मनी पॉलिसी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। चीप मनी क्योंकि आरबीआई सारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर देगा, आरबीआई आपके हाथ में परचेसिंग पावर बढ़ा देगा तो आपका परचेसिंग पावर बढ़ रहा है, मतलब चीप मनी पॉलिसी पैसे को सस्ता कर देना, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर देना। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो चीप मनी पॉलिसी, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए गए तो डियर मनी पॉलिसी। द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। So with this, I complete all the quantitative measures. बेटा सिर्फ quantitative था? नहीं, quantitative के साथ साथ qualitative भी तो था। तो qualitative में क्या आएगा? Under qualitative, the first thing is margin money requirement. क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हेन एवर अ पर्सन गोज टू टेक अ लोन ही हैज टू कीप सर्टन मार्जिन। अब एग्जांपल के फॉर्म में समझाता हूं, सपोज करो अगर एक एग्रीकल्चर वाला है और एक इंडस्ट्री वाला है एंड देयर इज दिस कमर्शियल बैंक, एग्रीकल्चर वाला भी लोन लेने के लिए गया, इंडस्ट्री वाला भी लोन लेने के लिए गया। They wanted a loan of say rupees 1 lakh
और इसके लिए ये लोगों ने सिक्योरिटी प्रोवाइड किया. सो एन एग्रीकल्चरिस्ट एंड एन इंडस्ट्रियलिस्ट बोथ हैव गिवन अ सिक्योरिटी. एंड फॉर एग्जाम्पल दे वॉन्टेड अ लोन फॉर 1 लाख, सो दे गेव अ सिक्योरिटी वर्थ 1 लाख. पर क्या अब इनको पूरा 1 लाख लोन मिलेगा? नहीं मिलेगा. मतलब कैन आई से, फॉर एग्जाम्पल आरबीआई बोलता है कि मैं तेरे को 80,000 का लोन देगा, मैं तेरे को 60,000 का लोन देगा. दोनों ने सिक्योरिटी कितने का दिया? लाख रुपए का. बट एग्रीकल्चर को आरबीआई ने ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए 80,000 रुपीज दे दिया, जबकि एक इंडस्ट्रियलिस्ट को सिर्फ कितना मिला? 1 लाख के सामने 60,000. सो 1 लाख इज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. सामने आपको लोन कितने का मिला? 80,000. 80,000 इज द लोन अप्रूव्ड. 80,000 माइनस कर देंगे लोन अप्रूव्ड, तो बेटा बाकी का जो पैसा बचा वो 20,000 इज द मार्जिन मनी. सो फ्रॉम एग्रीकल्चर द मार्जिन मनी टेकन इज लेस, फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलिस्ट द मार्जिन टेकन इज मोर. सो देर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन मनी. लुकिंग इन टू द सिचुएशन दे विल गिव इंपॉर्टेंस टू इधर एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलिस्ट. बेटा व्हाट इज मार्जिन मनी? मार्जिन मनी इज द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी माइनस लोन अप्रूव्ड. इन दोनों का डिफरेंस 1 लाख माइनस 80,000, 20,000 इज मार्जिन. और 1 लाख माइनस 60,000, 40,000 इज द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी. आई होप वी आर क्लियर विद द फर्स्ट पॉइंट जिसका नाम है मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट. बेटा जैसे मार्जिन मनी है वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है सेकेंड पॉइंट, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. क्या बोला? कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. नाउ व्हाट आर दीज कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस? तो व्हेन अ कस्टमर गोज टू अ बैंक फॉर अ लोन, तो जो रेगुलेशंस के थ्रू जाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ डिजायर टू परचेज अ होंडा एकॉर्ड कार. से फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ दैट कार इज 30 लाख रुपीज, और मेरे पास फिलहाल 30 लाख रुपीज अवेलेबल नहीं है, तो मैंने कार लेने का प्लान ड्रॉप कर दिया. बट आपको तो मालूम है बैंक का आदत होता है, हेलो सर कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू फॉर 2 मिनट्स, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम HDFC बैंक, आई हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू फॉर अ लोन. तो अपना दिल ललचा गया, बुलाती है पर मैं चला भी गया. मतलब जब मेरे को पता चला कि मेरे लिए एक लोन का ऑफर है तो मैं लोन लेने के लिए गया. नाउ इमेजिन दैट द सिचुएशन इज ऑफ इन्फ्लेशन. तो इन्फ्लेशन के सिचुएशन में क्या लोन देना एडवाइजेबल है? नहीं, क्योंकि अगर लोन दिया तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. तो पर मेरे मुंह पर डायरेक्ट थोड़ी बोल देंगे ए, नहीं तेरा लायकात नहीं है, चल लोन नहीं देगा तेरे को. तो वो लोग ऐसा क्या करेंगे? तो मैं जैसे ही बैंक के पास गया, बैंक ने मुझे कहा कि आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा 6 लाख रुपया. मैं बोला इतने में तो पूरा गाड़ी आ जाएगा, पर सिंस इट वॉज माई ड्रीम टू परचेज अ होंडा एकॉर्ड, मैं बोला चलो 6 लाख रुपया डाउन पेमेंट डन कर दे. वो बोलते हैं कि सर डाउन पेमेंट 6 लाख का है, पर आपका जो EMI है वो 2 लाख रुपीज पर मंथ, 2 लाख रुपया पर मंथ, इतना पगार ही नहीं है मेरा. ऊपर से अभी लॉकडाउन हो गया है. मतलब कहना से RBI कमर्शियल बैंक ने मुझे पीरियड सिर्फ 12 मंथ्स का दिया. मतलब RBI ने मेरे साथ या कमर्शियल बैंक ने मेरे साथ गेम खेला. कमर्शियल बैंक ने EMI का अमाउंट बढ़ा दिया और EMI का पीरियड कम कर दिया. इससे अजर से मैं एनकरेज हो गया कि मैं डिसकरेज हो गया?
तो ऑब्वियसली द आंसर विल बी डिस्करेज, मतलब कहना से मैं लोन नहीं लेगा और मनी सप्लाई कम हो जाएगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन. यही अगर डिफ्लेशन होता तो मुझे बोलते हैं कि सर डाउन पेमेंट है ना आपको सिर्फ 60,000 रुपीज का करना है. कितने थाउजेंड रुपीज का? 60,000. आपका जो ईएमआई है ना वो भी हम लोग कम कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ईएमआई कर देते हैं 20,000 और जो पीरियड है डेफिनेटली वो और बढ़ जाएगा. मतलब केनाई से 12 महीने के जगह पर वो लोग मेरे को 12 साल दे दिया, बोला आप 12 साल तक लोन भरते रहो. मतलब केनाई से ईएमआई का अमाउंट कम कर दिया, पीरियड बढ़ा दिया. इसके वजह से मैं शायद एनकरेज हो जाएगा और मेरा मनी सप्लाई बढ़ जाएगा. सो केनाई से दिस कॉन्सेप्ट इज अबाउट कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, जहां पर तीन चीजों का बात किया, डाउन पेमेंट, ईएमआई का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, दिस इज अमाउंट ऑफ ईएमआई एंड दिस इज ईएमआई का पीरियड. अगर इन्फ्लेशन है तो अमाउंट बढ़ा दो, पीरियड कम कर दो. डिफ्लेशन है तो ईएमआई कम, पीरियड ज्यादा. दिस वॉज योर सेकेंड पॉइंट विच वॉज बाय द नेम ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. नाउ सिमिलरली वी हैव समथिंग कॉल्ड एज क्रेडिट रेशनिंग. क्या नाम आया बेटा? क्रेडिट रेशनिंग. नाउ व्हाट इज क्रेडिट रेशनिंग? क्रेडिट रेशनिंग का मतलब होता है कि हम जो लोन्स देने वाले हैं आरबीआई उसके ऊपर रूल्स लेकर आए. फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोन्स देते थे टू डिफरेंट सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर. गवर्नमेंट बोलता था 30% पैसा इधर दो, 20% इधर दो, 15% इधर दो, 10% इधर दो, 5% इधर दो. तो देखो 30 प्लस 20 कितना हो गया? 50. 50 प्लस 25 कितना हो गया? 75. तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को 25%. तो अगर हमारे कंट्री में 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से 30 प्राइमरी को जाएगा, 20 इसको जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये एक सिस्टम है जिसके थ्रू गवर्नमेंट बोलता है कि इतना पैसा तो कम से कम ये सेक्टर को मिलना ही चाहिए. अब अगर गवर्नमेंट ने ये जो आंकड़ा है उसको थोड़ा घुमा फिरा दिया, अभी भी लोन कितने का जाएगा? 100 रुपीज का ही जाएगा. बट गवर्नमेंट बोलता है गिव 40% टू एग्रीकल्चर, गिव 30% टू सेकेंडरी सेक्टर, गिव 10% टू टर्शियरी, गिव 10% टू गवर्नमेंट एंड गिव 10% टू फॉरेन सेक्टर. तो कहना है से पहले ये लोन का स्कीम था, अब वो स्कीम बदल के ऐसा हो गया. ये जो बदला उसको हम बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग, गिविंग डिफरेंट सेक्टर्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ लोन. इसके लिए आरबीआई रूल्स रेगुलेशंस लेकर आएगा. सो बेटा अब तक हमने तीन पॉइंट्स पढ़े. कौन से तीन पॉइंट्स पढ़े? पहला मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट, मार्जिन मनी के बाद कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशंस, द थर्ड पॉइंट वॉज क्रेडिट रेशनिंग, द फोर्थ पॉइंट इज मॉरल सुएजन. Now what is moral suasion? RBI commercial banks को request करेगा to not increase their problems. तो अगर inflation है तो उसको और बढ़ाओ मत, अगर deflation है तो उसको और घटाओ मत. जो RBI का directions है उसको follow करो और उसके लिए RBI request करेगा. So moral suasion is a request made by the central bank to the commercial bank इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट. अच्छा अगर रिक्वेस्ट है, तुमको लगता है इंडियंस रिक्वेस्ट से कभी सुना है? कमर्शियल बैंक्स भी नहीं सुनता है. तो अगर कमर्शियल बैंक्स ने रिक्वेस्ट से नहीं सुना तो आरबीआई विल इशू डायरेक्टिव्स, आरबीआई विल गिव द डूज एंड द डोंट्स, आरबीआई विल रिक्वेस्ट के राइटिंग में देगा व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर द डोंट्स,
अब अगर ये फॉलो नहीं किया तो आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेगा. मतलब कहने से और तीन पॉइंट्स आ गए. पहले रिक्वेस्ट, मॉरल सुएशन. रिक्वेस्ट से नहीं समझा तो ऐसा कर ऐसा मत कर, डूज एंड डोंट्स. उससे भी नहीं समझा तो डायरेक्ट एक्शन, लाइसेंस कैंसिल कर देगा, आपको बिजनेस चलाने को नहीं देगा, आपको नया एटीएम फैसिलिटी नहीं मिलेगा, नया स्टाफ नहीं मिलेगा. आरबीआई विल स्क्रू द केस. व्हेन आरबीआई स्क्रूज द केस इट विल बी डायरेक्ट एक्शन. सो बेटा दिस इज वन ऑफ माय बिगेस्ट वीडियोस, द लॉन्गेस्ट वन, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आई हैव कवर्ड. The concepts that we covered were quantitative and qualitative. Quantitative में CRR, SLR, bank rate, repo rate, reverse repo rate. और qualitative methods के अंदर we studied what was the first point? Margin money requirement, consumer credit regulation, credit rationing, moral suasion, issue of directives, and finally we studied something called as direct action. The last point to be covered in this concept. बेटा आप मुझे सोचकर बताओ कि यहां पर जो हमने क्वालिटेटिव मेथड्स पढ़ा वहां पर भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? क्या ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट के लिए मार्जिन मनी कम था और इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मार्जिन मनी ज्यादा था? मतलब भी डिस्क्रिमिनेटेड. यहां पर भी सब सेक्टर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन है. तो अगेन कैन आई से क्वालिटेटिव मेथड्स आर कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटरी मेथड्स. भेदभाव किया गया था पर जो क्वांटिटेटिव मेथड्स है उसमें कोई तरीके का भेदभाव होता नहीं है. सो दे आर कॉल्ड एज नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेथड्स. सो बेटा क्वांटिटेटिव के कितने नाम हो गए? तीन. क्वांटिटेटिव मेथड्स, जनरल मेथड्स, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मेथड्स. क्वालिटेटिव के तीन नाम, क्वालिटेटिव, सिलेक्टिव एंड डिस्क्रिमिनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल क्रेडिट. इफ क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय कमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट कंट्रोल इज डन बाय द सेंट्रल बैंक. मनी सप्लाई अगर ज्यादा है तो कम करो, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. मनी सप्लाई अगर कम है तो मनी सप्लाई को बढ़ा दो, एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. दो तरीके का, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव में वी विल अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मनी, क्वालिटेटिव में वी विल अफेक्ट द फ्लो, डायरेक्शन, चैनलाइजेशन ऑफ मनी. क्वांटिटेटिव में सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस. क्वालिटेटिव में रिक्वायरमेंट ऑफ मार्जिन मनी. नेक्स्ट वन कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन. नेक्स्ट वन क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएशन, इश्यू ऑफ डायरेक्टिव्स एंड फाइनली 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 डायरेक्ट एक्शन. विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द मॉनेटरी पॉलिसी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.